किसान भाइयों नमस्कार, आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही प्यार दे रहे हैं हमारे वीडियो को। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए। अगर मेरे द्वारा मदद आपको अच्छी लगती है, मेरे द्वारा की गई छोटी सी मदद अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। तो दोस्तों, फिर से मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी भाइयों के लिए, कि उन भाइयों के लिए जो कि मतलब समझिए कि छोटे मत्स्य पालक हैं, गरीब मत्स्य पालक हैं, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं और खर्च के लिस्ट देखकर कि इतना खर्च आएगा देखकर ही घबरा जाते हैं, मछली पालन करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उन सभी भाइयों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि सिर्फ सरसों की खली पर हम लोग पूरा कल्चर मछली पालन का कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसी पर आज का मेरा टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है शुरू से लास्ट तक देखिए और लास्ट में ये डिसाइड कीजिए कि वीडियो अच्छा है, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी भाइयों के लिए है, बड़े किस मत्स्य पालक हो या छोटे मत्स्य पालक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि सरसों की खली की उपयोगिता क्या है तालाब में। आखिर सरसों की खली तालाब में जाने के बाद वो काम क्या करती है? तो दोस्तों, सरसों की खली जब आप तालाब में डालते हैं तो सरसों का खली का काम ये होता है कि वो मछली का फीड सप्लीमेंट होता है। मतलब कि अगर आप किसी प्रकार का मछलियों को भोजन दे रहे हैं ऊपर से, और उसके प्रोटीन के लिए एक भोजन होता है जो कि सरसों की खली से, उसको अलग तरह का प्रोटीन मिलता है, अलग तरह का भोजन मिलता है सप्लीमेंट, जिससे उसके बढ़वाड़ में मदद मिलती है। जैसे कि हम लोग आम लोग डेली का भोजन करते हैं, भात चावल रोटी, और उसमें से अगर मान लीजिए कि जूस पीते हैं, हॉर्लिक्स लेते हैं, मतलब अलग से जो विटामिन लेते हैं, तो उसी प्रकार ये फीड सप्लीमेंट हुआ मछलियों का। तो इसका काम ये होता है कि फीड सप्लीमेंट है और अलग से इसे भोजन में दिया जाता है मछलियों को, जिससे उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बोलना कि सिर्फ इसी पर पूरे मछली पालन हम लोग कर सकते हैं तो मतलब 90% तक सही है, लेकिन बीच बीच में और भी भोजन हमें देते रहना है। तो सरसों की खली का काम ये है कि ये मछलियों का भोजन है, और दूसरा काम ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये तालाब में प्लैंकटन, जूम प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन और बहुत तरह का मछलियों के लिए भोजन बना देता है, जिससे मछलियां लॉन्ग टर्म तक बहुत दिनों तक, कोई अगर आप कोई फीड भी नहीं देते हैं तो भी मछलियों के लिए तालाब में वो भोजन मौजूद रहता है जो कि सरसों के खली के द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे कि आप कल्चर स्टार्ट करें तो आप मतलब मेरा जवाब हाँ है कि आप सरसों की खली पर पूरा कल्चर आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, खर्च बहुत कम आएगा। मतलब एक एकड़ से अगर लेकर चला जाए एक साल तक के कल्चर पे, या 8 से 10 महीने तक के कल्चर पे सिर्फ सरसों की खली पे, तो आपको सिर्फ सरसों की खली में 50,000 रुपया बस लगेगा, मात्र 50,000 रुपया लगेगा, और सभी मछलियों के लिए भोजन 50,000 रुपये के अंदर ही आ जाएगा सरसों की खली पर। हर भाइयों के एरिया में हर सरसों के रेट का 19-20 का अंतर होगा, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो 50,000 रुपया आपको सिर्फ भोजन में लगेगा। अगर आप किसी दूसरे भोजन का उपयोग करते हैं तालाब में, जैसे कि फैक्ट्री मेड फ्लोटिंग फीड हो गया, तो उसका एक पैकेट आपका 2,000 का रहता है, तो एक कल्चर में आप मतलब उसका 2 से 3 लाख का भोजन करवा देते हैं एक एकड़ में। लेकिन सिर्फ अगर आप सरसों का खली देते हैं तो एक तो वो नेचुरल चीज़ हो गया, डायरेक्ट नेचुरल चीज़ हो गया तालाब में, और इससे मछलियों का बढ़वार बहुत अच्छा होता है। जब आप गांव के एरिया में जाते होंगे, जो भाई मत्स्य पालक गांव के एरिया से होंगे, वो भाई यही सब चीज़ों का उपयोग करते हैं और उनका मछली बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ता है।
तो नेचुरल तालाब में आप सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं। और आईएमसी मछली अगर आप कर रहे हैं तब तो सरसों का खली बहुत ही बेस्ट है आईएमसी के लिए। सरसों की खली पर आईएमसी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कितना हमें आईएमसी को खिलाना है एक एकड़ के तालाब लेकर चलते हैं, और मतलब कितने दिनों तक खिलाना है, एक दिन में कितने बार खिलाना है, कितना खर्च आएगा, सब कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एक एकड़ का तालाब लेकर चलते हैं तो उसमें आईएमसी मछलियां हैं, तो आपको डेली 10 केजी सरसों की खली को घोलकर आपको चारों तरफ से तालाब में छिड़काव करवाना है चारों तरफ से। और सरसों के खली को घोलने का मैं तरीका बताता हूँ कि जब आप सरसों के खली छिड़काव करने के दिन से पहले आप एक मतलब रात को घोल दे और सवेर में छिड़काव कर दे। जब भी घोले तो रात, मतलब उसको छः घंटा मतलब 6 आवर्स उसको टाइम चाहिए, मतलब पानी में 6 आवर उसको टाइम चाहिए घोलने के बाद, उसके बाद आप उसको छिड़काव करवा दे। आप चाहें तो सुबह में कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। इससे आपकी मछलियाँ के लिए ये भोजन फीड सप्लीमेंट है, और तालाब में मछलियों के लिए शुष्क पलवक जंतु पलवक का विकास कर देता है जिसे मछलियां बहुत दिनों तक खाती है। अगर आपके पास भोजन का कमी हो गया फिर भी तालाब में भोजन मौजूद रहेगा और मछलियां खाएंगी। इससे उस और ये मतलब कितना खर्च आता है सब कुछ तो खर्च पे ही डिपेंड करता है। तो खर्च कितना आता है मैं बता देता हूँ आपको। एक एकड़ का मैंने जैसे बताया तो आपको 50,000 रुपया खर्च आ जाएगा आईएमसी पर 8 से 10 महीने में सिर्फ सरसों की खली खिलाने पर। और आप अगर चाहे तो कभी कभी साल में 2 बार आप गोबर से फर्टिलाइज करवा सकते हैं, या अगर आप चाहे तो सरसों की खली के साथ आप राइस ब्रान, मकई का दर्रा और गोबर का भी साथ में मिक्स करके आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत भाइयों का ये क्वेश्चन था कि सिर्फ सरसों की खली पर पूरा मछली पालन का पूरा एक कल्चर हो सकता है, तो जी भाइयों बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ सरसों की खली पर आप पूरा मछली पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन भाइयों के यहाँ सरसों की खली नहीं मिलती है वो क्या खिलाएं। तो भाइयों आपको चिंता नहीं करना है कि हमारे यहाँ सरसों की खली नहीं उपलब्ध है तो हम मछलियों को क्या खिलाएं। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ सरसों की खली मौजूद नहीं है तो आप मूंगफली की खली आती है उसे आप जैसा सरसों का खली दिखने में होता है सेम वैसा ही मूंगफली का खली का कलर होता है। थोड़ा सा मूंगफली का खली थोड़ा सा मतलब उतना डार्क नहीं रहता है जितना कि सरसों का खली डार्क रहता है। तो अगर आप मूंगफली का खली दे रहे हैं तो एक एकड़ में 15 केजी दीजिए, अगर आप सरसों की खली दे रहे हैं तो एक एकड़ में 10 केजी दीजिए, और एक महीने में 20 दिन दीजिए या सप्ताह में 5 दिन दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। आईएमसी या कार्प मछली करते हैं तो आप सिर्फ सरसों की खली पर पूरा कल्चर कर सकते हैं, 50,000 रुपया तक का आपका खर्च आएगा और मछलियों का बढ़वार बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर बहुत भाइयों को लगता है कि सिर्फ सरसों की खली पर मछलियां नहीं बढ़ती है तो आप 2 महीने सिर्फ इसको खिला कर देखिए, और हर महीने जैसे कि आप नेटिंग करते हैं तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि फैक्ट्री मेड फीड और ये नेचुरल खाना जो मैं बता रहा हूँ सरसों की खली उस पर कितना ग्रोथ आया है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है उन भाइयों के लिए जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं कि हल्का में ही मतलब बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए उन्हें मुनाफा हो, जो गरीब मछली पालक भाई है तो उन भाइयों के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।